मैंने इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, भूगोल या ज्योग्राफी का एक चैप्टर करा रहे हैं आप लोगों को, बाद में करना टेस्ट बंद कर दो। देखिए अब देखो, सेटलमेंट का मतलब होता है अधिवास, कि लोग रहते कहां, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम लोग रहते हैं, ये प्लेन इलाका है, मतलब मैदानी इलाका, दिल्ली मैदान है ना, तो यहाँ जंगल है ना, तो यहाँ समुद्र है ना, यहाँ पर हमेशा बाढ़ वाला इलाका है जहाँ अमेजन नदी के जैसा होता है, ये आर्कटिक रीजन भी नहीं है, बर्फ वाला इलाका ना, पहाड़ है। तो मैदानों में या प्लेन में अलग तरह का घर बनाया जाता है, बस्ती या सेटलमेंट होता है, पहाड़ों में अलग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, मतलब कि बस्ती, सेटलमेंट मतलब बस्ती, जहां पर आप अपना घर बनाते हो वही आपका सेटलमेंट कहा जाएगा। अब किसी ना किसी बस्ती में रहेंगे ना, ठीक है। अब जैसे मान लो आप यहाँ मैदानों में बनाते हैं तो ये क्या कहते हैं, प्लेन सेटलमेंट कहा जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जिस हिसाब से आप बसते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, या तो पेड़ों पे रहते थे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए, और नहीं तो गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्या होता था, केव्स में, कि पीछे तो पूरी गुफा में दीवार होगी और सामने दरवाजे पे जहाँ एंट्रेंस होता था घुसने का रास्ता, वहां पर आग जला के रखते थे जिससे वो बचे रहते थे। और द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर, सेटलमेंट फ्लरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन डेट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड क्वांगही। देखिए पहले तो अलग अलग जगहों पे सब जगह सेटलमेंट होता था, लेकिन आगे जा करके जैसे जैसे आदि मानव कुछ सभ्य हुए, खेती बाड़ी करने लगे, जानवरों को पालतू बनाने लगे, तो जो भी नदियां थी, आप याद रखना कभी भी जो बड़े बड़े सेटलमेंट हैं वो नदियों के किनारे बसे। सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो रिवर के किनारे इसलिए बसा था क्योंकि आपको पता है जीने के लिए पानी का बड़ा जरूरत होता है, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए और भी चीजों के लिए। दूसरा, जिन जानवरों को पालतू बनाते हैं उनको भी पानी पिलाना पड़ेगा आपको। तीसरा, नदियों से आप खेतों की सिंचाई भी कर सकते थे, इरिगेशन भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, नदियों के किनारे हर साल नदियां क्या करती हैं, अपने किनारे चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल को ला करके बिछाते जाती है। दुनिया में कहीं पर भी जो जहाँ खेती होती है वो नदियों के किनारे वाले ही इलाके होते हैं, नदियों द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं, रिवर्स प्लेन होते हैं वहीं पर। अब आप सिंधु का मैदान, सतलज का मैदान, गंगा और यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन नदियों के द्वारा जो बनाया गया फील्ड या प्लेन या मैदान है वहां पर खेती होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, ये जो चार पांच स्टेट्स के नाम लिए मैंने, ये सिंधु, इंडस, ठीक है, सतलज, गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे सहायक नदियां जो होती हैं, और भी जो नदियां मिलती हैं उनमें, और साथ ही साथ पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पे सबसे अधिक खेती कहाँ अच्छी होती है, असम, ब्रह्मपुत्र नदी है वहां, तो ये नदियों के किनारे बनाई जाती है। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में कहीं भी जहां सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट मतलब लोग घर बना के एक बस्ती में या गांव बना करके रहने लगे, वो सारे के सारे कहां थे, नदियों के किनारे का ही इलाका था। देखिए अब सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट भैया परमानेंट भी हो सकता है, मतलब कि अस्थाई भी हो सकता है। अब यहां पर आप घर बनाते हो तो परमानेंट है, यहाँ पे जिनका घर है भाई हमेशा यहीं पे घर बना के रहने लगे, अब यहीं पर वो 100 साल से हैं, फिर उनके और बच्चे होंगे, फिर वो भी आगे इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। और कुछ आपने देखा हो, गावड़ियों को देखा है ना, जो बड़े बड़े सिंह वाली गायों को लेके घूमते हैं, तो भैया जब उनका टाइम होता है तब यहाँ, जब घास खत्म हो गई तो यहाँ से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं, तो टेम्पररी हो गया, उनका घर भी वैसा ही होगा, तंबू टाइप का या टेंट टाइप का बना लेते हैं वो, है ना। देख
क्योंकि एक जगह उनको रोजगार नहीं मिलेगा ना, उनकी उनका जो रोजगार या पेट है, जैसे मान लीजिए आप बेटा यहाँ इसलिए रहते हो क्योंकि पापा की जॉब है, पापा ऑफिस जाते हैं वहां से भाई हर दिन काम करेंगे, महीने के लास्ट में सैलरी मिलेगी, हम लोग यहीं घर बना के रहते हैं, ठीक है। या मान लो पहले जमाने में जब कंझावला एक गांव रहा होगा, बहुत कम लोग नौकरी करते होंगे, खेती बहुत ज्यादा होती होगी, आज से 60-70 साल पहले तो खेती ही होती थी ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर गांव था, गांव में लोग रहते थे, गांव के नजदीक में खेत था, खेती करते थे, फिर शाम को घर आ जाते थे। तो बेटा उसको माइग्रेशन कहेंगे, वो भी बताऊंगा मैं। जैसे क्या वापिस चले जाते हैं रोज है? रोज कई बार सर ऐसा होता है, चाची भी सर मेरी चिपाने चाची अब बोलो जाती है ट्रेन में। बेटे तो कुछ दूरी का ही सफर होगा ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली वाले एनसीआर वाले इलाके में लोग कोई नोएडा कोई गुड़गांव यहाँ से जाते ना जॉब करने, और फिर दिन भर जॉब करेंगे शाम तक रात तक फिर घर आ जाते, गुड़गांव जाते हैं ना वही तो करें ना, और शाम तक फिर क्या होता है घर आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है फिर भी परमानेंट सेटलमेंट तो है ना, कंझावले में ही रहते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पहाड़ों पे जो चरवाहे होते हैं ना, हर्डर्स नोमैड्स बंजारे, वो क्या करते हैं जब घास की घास होती है फसल होती है, तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो पहाड़ों पे चले जाते हैं, जब बर्फ खत्म हो जाती है तो वहां पे हरी घास अच्छी कम टेम्परेचर रहता है तो अच्छी घास मिलती है ना, तो वहां पर अपने जानवरों को चराते हैं, हर दिन लेके जाते हैं वहां पर, और उधर ऊपर पहाड़ों पे ही अपना तंबू लगा लेते हैं। और फिर जब सर्दियों का मौसम होता है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाती है, तो जानवर कैसे रहेंगे वहां पे, क्या खाएंगे, वो भी नहीं जी पाएंगे, तो अपने जानवरों को लेकर के वैलीज में आ जाते हैं, मतलब घाटी में नीचे आ जाते हैं, और यहीं पे तंबू लगा के रहने लगते हैं और जानवरों को यहीं पे चराते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पररी हो गया, परमानेंट जैसे हम और आप रहते हैं। देखो बेटा एक टर्म है हिंदी में जो भूगोल की किताब किसी के पास, एक हमारा पर्यावरण वही है इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में दो तो मुझे दो ना फिर तुम्हें क्या मतलब इसे? देख तो बुक अंदर है, यहां निकाल के ऐसे मुंह देख रहे हैं ना, तो मतलब जब कहेंगे तब तो देखना पड़ेगा भाई। ये बेटा ये बॉक्स दिख रहा है, ये देखो ट्रांस ह्यूमेंस मतलब ऋतु प्रवास, मैंने वही बताया ना अभी इससे पहले कि सर्दियों का मौसम होगा तो जो चरवाहे होते हैं जानवरों को लेके वैली में आ जाएंगे। ह्यूमंस होता है या ह्यूमस होता है? ह्यूमंस नहीं, थोड़ा मैडम का है ना, ह्यूमस। ह्यूमस तो बेटा मिट्टी को कहते हैं ना, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ट्रांस ह्यूमंस कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऋतु प्रवास, वैली घाटी पहाड़ के नीचे जो होता है मैदान के लगे उसको वैली कहेंगे। तो इसमें क्या होता है अपने जानवरों के साथ वो मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, समझ रहे बात को। मान लीजिए जब घास ऊपर पहाड़ों पे मिलती है तो वहां पे चराते हैं और वहीं पर जो भी हर्डिंग करते हैं और वहीं पर अपना टेंट लगा के रहने लगते मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर क्या है कंझावले में वो इसलिए इतने दिनों तक रह जाते हैं क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर घास उस जंगलों में चरा लेते हैं गाय को। अरे वो बावना साइड में है ना, इधर लेके चले जाते हैं, है ना, एक चीज जो भी हो। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर मार्केट भी है उनके पास। अब मान लो बेटा कहीं ऐसी जगह गाँव में चले जाए, हरियाणा साइड में चले जाए, ठीक है, तो वहां कैसे चराएंगे, सब जगह का खेती खेत है सब लोगों का। दूसरा वहां पर तो हर आदमी के घर में है ना, चाहे मानुष तीन हो भैंस चार है, तो वहां पर कौन दूध खरीदेगा। और ये थोड़ा शहर का और गांव का दोनों बीच का इलाका पड़ता है, इसलिए कंझावला उनके लिए अच्छी जगह मिलती है ना। तो बेटे रोनी में कित मतलब फ्लैट फ्लैट घूम घूम के घास चराएंगे, आंटी जी थोड़ा पत्थर खिला दो,
हट गए। मैं समझ गया आपकी बात को। तो ये जैसे जब जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने तो नोमेड्स मतलब कि खानाबदोश इनको कहा जाता है। ये किसी भी सरकारी जमीन पर, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी जमीन होगा ना, तो इनको सरकार ने अधिकार दे रखा है कि आप कुछ दिनों तक अपना टेंट ला के वहां रह सकते हो, जैसे भी अपना रोजगार करना चाहे। बात समझ रहे हो? कुछ दिनों तक, कितने दिनों तक? बेटा तू बंजारे है ना, जब तक रहेंगे फिर यहाँ से तंबू उखाड़ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जी हाँ वही करो, सरकारी जमीन ही है, कर देंगे बेटे और क्या। निकाल भाई खून, इसका ब्लड टेस्ट करें। काम कर लिया रे, माय स्कूल लिखा तूने, माय स्कूल। सो ट्रांसह्यूमन समझ गए ना आप, कि जब ऋतु प्रवास मौसम के हिसाब से, इधर जगह नहीं बैठे, बैठ हाँ वहां बैठ, मौसम के हिसाब से वो क्या करते हैं, करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। जी हाँ, जिस जानवर के लिए वो जानवरों को पालते हैं। अब भैया जहां घास अवेलेबल होगा, ग्रास अवेलेबल होगा, वहीं पर घूमेंगे। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप आसाम की बात करो या नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो स्टिल्ट हाउस बनाई जाती है। स्टिल्ट हाउस का मतलब ये हो गया कि वहां पर क्या कहते हैं, बांस की जो खंबे होते हैं ना, बंबू, उसके ऊपर मतलब क्या करते हैं, पूरे के पूरे घर का स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि अगर मान लीजिए पिलर लगा रखे, बांस लगा रखे, तो पानी अगर बाढ़ आता भी है तो पानी नीचे नीचे बहता रहेगा और घर कुछ हाइट पे ऊपर बना रहेगा। आप लोग जी हाँ, स्टिल्ट हाउस होता है, समझ गए? हाँ उसके बाद इग्लू तो आप लोग को पता ही होगा, पहले क्लास में जब छोटे छोटे नोजी वाले बच्चे थे तब आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। इग्लू क्या होता है, इग्लू को बनाने में बहुत अधिक एक्सपर्टाइज चाहिए, बहुत अधिक है ना टैलेंट चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी जाके बना लेगा। जो बर्फ होती है ना, उसी के बड़े बड़े स्लैब्स काट करके वो रखते हैं। अब बर्फ नहीं बेटा, वो सर्दी इतनी ज्यादा होती, बर्फ कैसे पीले, 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, वहां पर हमेशा -30 डिग्री होता है। बता रहा मैं, बता रहा, जो आइस होता है ना, सबसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर मान लीजिए उसमें क्या, अगर बर्फ का आपने घर बना दिया, तो बाहर जितना भी टेम्परेचर होगा ना उस घर के बाहर, बाहर से बिल्कुल भी ठंडक उसको दीवार को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती, और आपके शरीर की जो गर्माहट है वो भी बाहर नहीं जा सकती। तो खुला नहीं रहता बेटे, जब रात को सोने के समय है ना, उसको भी वो तो लोग ब्लॉक कर देते हैं। कैसे बेटे? थोड़ा बहुत तो स्पेस रहता है जिससे एयर आ सके, लेकिन दरवाजा बिल्कुल बंद कर देते हैं, और वहां पर जो दरवाजे के पास वो क्या करते हैं ना कि वो जला देते हैं, और उसके घर के हाँ कैंडल जला देंगे, या कैंडल क्यों जलाएंगे यार, आत्मा बुलाना है, आग जला के रखते हैं बाहर ना, ताकि गर्माहट बनी रहे। ऑक्सीजन के लिए भी तो होता है, समझ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कैंडल हवा अंदर जला के रखते हैं, कैंडल बुझ गई ना, इसका मतलब कि ऑक्सीजन अंदर नहीं है, तो फिर कोई ना कोई सुराख बना के ऑक्सीजन खींच लेते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो पहले जमाने से ही आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट पहले क्या किया जाता था, लोग पहले खुद से ही करते थे, उसके बाद व्हील का आविष्कार हुआ, पहिए का। मैं आपको बता दूं, आदि मानव ने हमारे जो अर्ली मैन थे, कीप क्वाइट, सबसे पहले नावों के थ्रू, बोट्स के रास्ते या समुद्र या नदियों के रास्ते ही सामानों की ढुलाई की, वो ज्यादा आसान था। मुंह बंद कर लिया इस बात में, मैंने कहा टेस्ट देने के लिए, शांति से बैठे रहो। होता क्या था कि इसीलिए कोई भी सेटलमेंट नदियों के किनारे बसाई जाती थी, ठीक है, नदी है तो एक जगह से दूसरे जगह नदी के थ्रू जाना आसान है। बेयर गिल्स को देखा है ना, बोला जंगल से बाहर निकलना है तो कोई थोड़ा सा स्ट्रीम खोजिए, नाला, उसके बाद वो बड़ी नदी तक जाएगा, नदी में कूद जाइए और फिर बाहर निकल जाइए। और क्या कहता है कि नदी के किनारे कोई ना कोई बस्ती जरूर मिलेगी, क्योंकि जंगल में या कोई भी रिमोट एरिया में
लोग कहाँ रहना चाहेंगे? नदी के या पानी के सोर्स के आसपास ही रहेंगे, नदी में मछली भी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। कुछ होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। नहीं तो क्या, वो पहले ही वहाँ पे जो क्या कहते हैं ट्रांसलेटर होता है ना उस लैंग्वेज को बोलने वाले, उनको लेके जाते हैं। ऐसा थोड़ी है बेयर ग्रिल्स जाकर किसी दिन उनके सामने ऐसे कूद गया, ऐसे थोड़ी किया उसने। मैंने कोई तरीका है ना, ऐसे स्टंट नहीं मार सकता। आदि मानव है ही कहाँ, कुछ है थोड़े बहुत, मतलब सनरोज आइलैंड में, कई सारे आइलैंड में है, पर पोर्ट ब्लेयर इन सब में हो सकता है। तो पोर्ट ब्लेयर तो कैपिटल है, तो वहां पर कैसे होगा? सिंपल सी बात है, कैपिटल नहीं है सर, वो एक पोर्ट है इसलिए। पोर्ट ब्लेयर क्या है? उनका मेन अंडमान निकोबार का है ना, कैपिटल सिटी है वो पोर्ट ब्लेयर। भैया प्लेन का खर्चा करके घूम लिए ठीक है, हम बिना घूमे ही आपसे ज्यादा बता देंगे ना। चलिए, तो पहले क्या था ट्रांसपोर्ट में, एक तो बोट का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद अब किसी भी चीज को घसीट के ले जाने में खींचने में बहुत दिक्कत होती थी, तो लोगों ने जब पहिए का आविष्कार किया व्हील का, तो लोगों को चीजों को एक जगह से दूसरे जगह जमीन पे ले जाना आसान हुआ। पहले लोगों ने खुद ही खींच के देखा, फिर सोचा यार खुद के से खींचने से अच्छा क्यों ना कि हम लोग बैल पाल लें, कुछ जानवर वो खींचे, फिर उनको पालतू बनाना स्टार्ट किया। इंसान ने सबसे पहला जानवर किसको पालतू बनाया था? गुड गुड गुड, कुत्ते को बनाया था, डॉग को बनाया था। उस डॉग को क्यों बनाया था? क्योंकि पहले आदि मानव है ना खेती नहीं करते थे, शिकार करते थे। वो डॉग दो काम करता था, एक इनको प्रोटेक्ट भी करता था और शिकार करने में इनकी मदद भी करता था। क्यों, कोई जानवर आएगा तो भौंकेगा ना, समझ में ही बात आपको? ऐसे दोबारा मत बोलिए ना तो मैं तेरे बना दूंगा। चलिए, तो आपको पता है कि कोई भी चीजों को खींचने के लिए म्यूल्स मतलब खच्चर जो होता है घोड़े और गधे के बीच का जो होता है, जैसे नहीं घोड़ा गाड़ी कहते हैं कि ये आया हुआ है गुड़ बेचने के लिए, ये खच्चर ही होता है, म्यूल्स होते हैं, ये घोड़े नहीं होते इसमें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो म्यूल्स होते हैं ना, जो घोड़े गाड़ी पे कोई सामान ढोने वाले, ये सब ये म्यूल्स मतलब खच्चर, घोड़े और गधे के बीच की ब्रीड होती है, ना तो गधा है ना घोड़ा, बीच का है। और ये घोड़े के जैसा तो होता है, अरे गुड़ वाली गाड़ी नहीं देखी यार, वो घोड़ा टक टक, हाँ तो बस ठीक है यार, खच्चर होता है वो। और सबसे अधिक है ना सख्त जान होता है, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। घोड़ा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। घोड़ा एक रॉयल एनिमल है, मतलब ये नहीं कि घोड़े को लगा दिया और घोड़ा काम कर रहा है तो घोड़ा अड़क भी जाएगा और मार भी देगा आपको दुलत्ती। जी गधों की नहीं होती क्या? हाँ तो हो सकता है उस दिन उनका मूड ना हो, डाइट ना लिया हो ना। आप लोग क्या उदास है, बात सुन सर, रोने लग जाते। चलिए मेरी बात, पानी जोर डाल दिया बेटे। अब देखो इंडिया में सड़कों के बारे में तो आप जानते ही हैं, अगर आपको कहीं 200-300 किलोमीटर जाना हो तो आप हाईवे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये मदनपुर वाली कच्ची रोड या वो सिंगल रोड को थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। आपने आगरा जाना है तो क्या खेतों खेत मतलब की दौड़ते हुए जाएंगे या यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे, ठीक है। चार नंबर गियर लगाया, इतना बड़ा पत्थर रखा, गाड़ी जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, वो वाली बात। तो इंडिया में चार, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और बॉम्बे, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, चार शहरों को मिलाने वाली जो सड़क है मेन सड़क, उसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन सड़कों का नाम होता है, ये आपके पेपर में आएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने की बात होती है। ये हाईवे होता है, नेशनल हाईवे। हाँ बिल्कुल जा सकते, क्यों नहीं, 1500 किलोमीटर ही तो है बेटे, कोई ज्यादा दूर नहीं है, रातों रात पहुंच जाएंगे एक दिन में, क्या 1500 किलोमीटर है।
दिल्ली से बॉम्बे 1500 किलोमीटर हो गया। गोवा के पास वाला ना तो क्या पाकिस्तान में भी बॉम्बे है? बड़े सारा शहर तुम लोग पाकिस्तान को दे दो। अब ये मत करना सर्दी नहीं लग रही। ये कमरा जानते क्यों होता है? क्योंकि है ना सर, मेरी बात तो सुन लो। मैं ये कमरे की बताओ पहला। मैं कमरे की नहीं पूछ रहा, बात पूछ रहा हूं कमरे की। पहले मेरा क्वेश्चन बात खत्म कर। चलो मन्ना के, चलो मन्ना के। मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ भाई तुम लोगों की? ए, क्या है यार ये? सर फिर मुंबई में तो वैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है एज कम्पेयर टू यहाँ। चले नहीं चल कैसे? अच्छा नहीं चल, नहीं फीस जा रहा है ऐसे नहीं चल किसी को। ठीक है देखिएगा, जिंगजिंग टू लहासा ये चाइना में अभी 4000 मीटर की हाइट पे, 4000 मीटर की हाइट पे एक रेलवे रूट बिछाया गया है। ठीक है, रेलवे लाइन चाइना ने बिछाई है जो दुनिया में सबसे अधिक हाइट पे रेलवे लाइन है। 4000 मीटर मतलब माउंट एवरेस्ट से आधी हाइट पर। वो 8000 क्या? अच्छा अच्छा अरे उसको रोकना जरा एक बार भाई को। अरे हम बुला रहे हैं, फेंक दो साइकिल वहीं पे, आराम से रखो। जिंजिंग टू लहासा ब्रैकेट में वो तो है, वो रहा क्या लिखा हुआ है? जिंजिंग है ना लहासा, 4000 मीटर की हाइट पे। आगे देखेंगे रेलवे, दूसरा रेलवे भी ऐसा रूट है जहां एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी रेलवे लाइन मतलब कि सबसे अधिक रेलवे लाइन वहीं पर, पता है कहां पे? यूएस है। ठीक है, उसके बाद दुनिया में सबसे लंबी रेलवे लाइन कहां पर है मतलब एक जगह दूसरी जगह? रशिया में। नहीं बेटा पॉसिबल, आप यूरोप में जा सकते हैं कहीं पर भी, यूरोप में जा सकते हैं लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका तक कोई भी लैंड जुड़ा हुआ नहीं, बीच में ओशियन है। लेकिन अगर यूरोप जाना है तो आप ऊपर एशिया से मिडिल एशिया से होते हुए यूरोप जा सकते हैं पूरा। हरियाणा के तो पानी पे चल लेंगे, हरियाणा के हैं तो क्या बात है बेटे? यही वाली मिली क्या? तीस वाली नहीं थी? कोई बात ना, यही ले जाओ। अरे क्यों फिर खोलने लगा जूता यार? देखिए है ना अगला मैप देखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग टू लेनिनग्राड, नहीं लेनिनग्राड होगा, व्लादिवोस्टोक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे व्लादिवोस्टोक, या सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप में मास्को के पास है, वहां से स्टार्ट होता है और ये कहां व्लादिवोस्टोक मतलब कि अटलांटिक ओशियन से स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा यूरोप और एशिया क्रॉस करता हुआ पैसिफिक ओशियन तक जाता है। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन बहुत पहले बना रखा है रशिया वालों का, काम ही ऐसा था। एयरवेज, जैसा कि आपको पता ही है कि एयरवेज बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए और कम समय में आप एयरवेज का सहारा ले सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं, है ना? साथ ही व्हाट इज दिस, ऐसा नहीं, अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए एक देश है, यूएसए अमेरिका एक, नहीं एक नहीं है, एक मतलब किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ अमेरिका। ठीक है मैं देखता हूँ, ये अभी पूरा नहीं किया था मैंने, पूरा ये है जो 5 चैप्टर का है और वो 2nd चैप्टर का है। हाँ तो करो इसको, तो चलो 5वें चैप्टर तैयार किया था। कौन कौन से चैप्टर है पेपर में?
तो करेगा सेकंड भी याद करके लिख सर, एक सेकंड इसका जवाब तो लिख देना पहले। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बेटे सबसे ऊपर है कनाडा, नहीं कनाडा उधर बहुत ज्यादा लगेगा बेटे, आराम से बैठो यहाँ पे बहुत सर्दी है उधर कनाडा। दूसरा है यूएसए, तीसरा है मैक्सिको, सुनते जाना, निकारागुआ, निकारागुआ, होंडुरस, बेलीज, पनामा, है ना, इस तरह से सात आठ देश हैं। और उसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उत्तरी अमेरिका महादेश में एक देश है जिसका बीच में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अब समझ में आया? अब बोलो क्या करो तो बेटे। अब हम तो पढ़ाने वाले आदमी है ना, हम अगर गलत बता देंगे तो आप फिर आपको कौन बताएगा सर? हम तो सही बताएंगे ना। चलिए ठीक है, एयरवेज आपको पता ही कि जो भी रिमोट एरियाज है, जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी पे या आर्मी वालों को भेजना है, सियाचिन हो गया, तो वहां पर कोई चीज नहीं है ना, सड़क जा सकती, रेलवे लाइन तो लगाने का मतलब ही नहीं है सड़क जब नहीं है, तो वहां पर क्या करते हैं आदमी, हेलीकॉप्टर से या प्लेन से कोई चीज भेजता है। ठीक है ना, तो एयरवेज तो इसी तरह है। और दुनिया के बहुत ज्यादा दूर के जगहों पर अगर आपको जाना हो, सियाचिन में भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन केटू दुनिया की जो सबसे दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, चोटी है, ठीक है, वही उसी के आसपास में ये सियाचिन ग्लेशियर है, उसी पे भारत और पाकिस्तान दोनों के सेनाएं रहते हैं। कुछ भी कहो यार, कोई बात तो जरूर है, चैप्टर खत्म, कल इसका टेस्ट।